नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अपील की है कि 5 अप्रैल यानी कि रविवार की रात 9 बजे पूरा देश अपने अपने घरों में दिए, मोमबत्ती या टॉर्च से रोशनी करे। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री इलाज के साजो सामान की कमी, प्रवासी मजदूरों की बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा पर बात करने से भाग रहे हैं। सुबह के 9 बजे पूरे देश को एक ही बात का इंतजार था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल थे। क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा? क्या कोई छूट दी जाएगी? क्या सख्ती के कोई नए निर्देश आएंगे? लेकिन प्रधानमंत्री इन सबसे अलग एक बहुत जरूरी बात करने के लिए सामने आए थे। महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे पूरे देश के कान प्रधानमंत्री की बातों पर लगे थे। आखिर वो कौन सी युक्ति है जिससे मात्र 9 मिनट में कोरोना से लड़ाई में देशवासियों के संकल्प को नई ऊंचाई मिल सकती। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। देशवासियों की महाशक्ति के जागरण के लिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही साधारण तरकीब बताई, इतनी साधारण कि लोग दंग थे। घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। पीएम मोदी चाहते हैं कि जब आप कोरोना से लड़ाई में दिया, टॉर्च या मोबाइल की बत्ती जलाएं, तो आपके घर में कोई रोशनी न हो। जो भी रोशनी हो वो सिर्फ बाहर हो। समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। पूरी बीजेपी प्रधानमंत्री के विचारों के आलोक को समस्त देश में फैलाने में जुट गई। 5 मिनट की ताली और थाली के बाद कोरोना से लड़ाई में उन्होंने जनता से सिर्फ 9 मिनट मांगे। कोरोना का अंधकार फैल गया है, हम सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसी नकारात्मकता से ऊपर निकलने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमें उनकी पूरी बात मानकर चलना चाहिए और इसमें सब अगर एकजुट होकर चलेंगे तो पक्का हम विजयी बनेंगे। कांग्रेस को दिया बत्ती, टॉर्च, मोमबत्ती का प्रधानमंत्री का आइडिया पसंद नहीं आया। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने महाशक्ति के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के पीएम मोदी के विचार के आगे कुछ सवाल जोड़ दिए। जब थाली बजाने की जो आपने हिदायत दिए थे, तब ये कहा गया था डॉक्टर लोगों के लिए जो सेवा करते हैं हिंदुस्तान के लोग, उन लोगों के लिए ये थाली बजाने की जरूरत है। लेकिन देखिए डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं, उनकी उनकी जो इक्विपमेंट है, उनकी सेवा करने के लिए जो रसद चाहिए, जो सामान चाहिए, वो उनके पास नहीं है। मरीज लोग के लिए हॉस्पिटल की बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आइसोलेशन वार्ड नहीं है। हिंदुस्तान की गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर लोगों के लिए खाने की जेब में पैसा नहीं है। बेटर भटक रहे हैं रास्ते पे, सारे हिंदुस्तान में हम लोग ये देख रहे हैं। किसान अभी सोच रहे हैं कि उनकी फसल कटाई कैसे होगी। तो ये सारे हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी मच चुके हैं। पूर्व गृह एवं वित्त मंत्री
पी चिदम्बरम ने 1 घंटे 59 मिनट के भीतर 5 ट्वीट किए। इनमें से 3 शिकायतें थी और 2 सुझाव और 3 ट्वीट हिंदी में थे। आज हम आपसे जो उम्मीद करते थे वो आर्थिक सहायता कार्यक्रम द्वितीय था, गरीबों के लिए एक उदार आजीविका सहायता पैकेज, जिसमें उन गरीबों की श्रेणियां भी शामिल थी जिन्हें 25 मार्च 2020 को निर्मला सीतारमण द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। तो बोले अंधेरा कर दो और टॉर्च चला। मूर्ख है क्या भारत के लोग? मूर्ख समझते हो उनको? मैं आज कह रहा हूं कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं दिए नहीं जलाऊंगा। बहरहाल देश दिया जलाने के लिए तैयारी में जुट गया है। 5 तारीख की रात 9 बजे कोरोना से जारी जंग के बीच दिवाली जैसा उत्सव होने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है घर से निकलना नहीं है, भीड़ नहीं लगानी है। आज तक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती जमातियों ने नर्सों के साथ जो बदसलूकी की थी उस पर सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा चलाने के निर्देश दे दिए हैं। आरोप है कि जमातियों ने नर्सों के सामने अश्लील हरकतें की और बीड़ी सिगरेट की मांग की। वहीं इंदौर में मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी के मामले में आरोपियों पर NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है। ये गाजियाबाद के MMG अस्पताल के CMO की चिट्ठी है, जिले के SP के नाम। इसमें जो लिखा है उसे पढ़कर सिर शर्म से झुक जाता है कि सांप्रदायिकता के झगड़े में एक समाज के तौर पर हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। वाकिया MMG अस्पताल का है जहां दिल्ली की मरकज से निकाले गए तबलीगी जमात के कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है, लेकिन यह चिट्ठी कहती है कि जमाती डॉक्टरों और नर्सों के साथ घटिया हरकत पर उतर आए हैं। वो अश्लील हरकतें कर रहे हैं, वो अश्लील इशारे कर रहे हैं और कोरोना से इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इस चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस से संभावित जमाती मरीज वार्ड में नंगे घूम रहे हैं और वार्ड में गंदे और अश्लील गाने सुन रहे हैं और स्टाफ नर्सों और कर्मचारियों से बीड़ी सिगरेट की मांग कर रहे हैं तथा महिला कर्मियों से अश्लील इशारे कर रहे हैं। MMG अस्पताल के CMO ने ये भी लिखा है कि जमाती लगातार अश्लील हरकतें कर रहे हैं। ये लोग अस्पताल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, नर्सों के सामने ही कपड़े बदलने लगते हैं और छोटी छोटी बातों पर हंगामा करते हैं। चिट्ठी सामने आते ही पूरी मशीनरी हरकत में आ गई। MMG अस्पताल के कर्मचारियों ने जमातियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी और उन्हें अस्पताल से हटाकर पुलिस की निगरानी में राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट में क्वारंटीन में भेजा गया। तत्काल इसकी गंभीरता को देखते हुए SP City और ADM जो हैं उन्होंने इस पे वहाँ पर मौके पर भी इसकी जांच करी और तथ्यों को परखा और यह पाया गया कि तहरीर जो है वो FIR योग्य है और तत्काल इस पर जो है निर्णय लेते हुए इस पर FIR दर्ज की गई है और विवेचना प्रचलित कर दी गई है। मामला इतना गंभीर था कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और कहा कि ऐसा करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला चलाया जाए। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं, जो कानून व्यवस्था को नहीं मानेंगे। इन्होंने महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो किया है वो जघन्य अपराध है। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। जो चीजें गलत की जा रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गाजियाबाद के सांसद VK सिंह ने भी इस घटना पर सख्ती से निपटने को कहा है। इसकी शिकायत हुई है, पुलिस तहकीकात कर रही है। मैंने भी SSP साहब से बात की थी कल और मैंने उनको कहा कि अगर ऐसा हो रहा है और जो चीजें गलत की जा रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उधर इंदौर में मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी करने वालों पर रासुका लगा दिया गया है। वहां टाट पट्टी इलाके में सर्वे करने गई टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। कानपुर से भी खबर आई है कि जमातियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डॉक्टरों से बदतमीजी की है। गाजियाबाद में नर्सों के साथ अभद्रता के बाद फैसला लिया गया है कि तबलीगी जमात के लोगों की जांच और सुरक्षा में महिला स्वास्थ्य कर्मी और महिला पुलिसकर्मियों को नहीं लगाया जाएगा।
साथ ही मेरठ जोन में सभी आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन वार्ड की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के मरकज में हजारों लोगों को डॉक्टर की बात न सुनने के लिए गुमराह करने वाला मौलाना साद पुलिस को मिल नहीं रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की 6 टीमें मौलाना साद को खोज रही हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। इस बीच पुलिस उस आईपी एड्रेस पर भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां से मौलाना साद ने कल अपना ऑडियो संदेश जारी किया था। कोरोना के संक्रमण पर अपने हजारों समर्थकों को गुमराह करने वाला तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद शानदार जिंदगी जीता है। शानदार फार्म हाउस में रहता है, लंबी गाड़ी में चलता है, बिजनेस क्लास में उड़ान भरता है और ऐशो आराम की तमाम सहूलियतों का जमकर इस्तेमाल करता है। एक दिन पहले ही उसने कहा था कि वो आइसोलेशन में है और दिल्ली में है। दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ खिलाफ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के कवानीन की पाबंदी जरूर करें। पुलिस 4 दिन से मौलाना साद को खोज रही है लेकिन वो मिल नहीं रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का दावा है कि उसने साद की खोज में सारे घोड़े छोड़ रखे। सूत्रों की माने तो मौलाना साद फोन का इस्तेमाल नहीं करता है। उसके 2 घर हैं, एक निजामुद्दीन में और एक जाकिर नगर। फिलहाल वो कहाँ है ये अभी पुलिस को भी नहीं पता। यूपी के शामली के घर पर भी साद मौजूद नहीं है। दिल्ली पुलिस ने मरकज के प्रमुख मौलाना साद का पता लगाने के लिए अलग अलग 6 टीमों का गठन किया है जिसको क्राइम ब्रांच के डीसीपी जॉय टर्की खुद लीड कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मौलाना साद फरार है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आज तक को बताया कि मोहम्मद साद का पता लगाने के लिए 3 टीमें पश्चिमी यूपी में जबकि बाकी की 3 टीमें दिल्ली के आसपास मौलाना को तलाश रही है। पुलिस ने उसके ठिकानों का पता लगाने के लिए साद के कुछ रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ली गई। क्राइम ब्रांच की एक टीम उन तमाम मस्जिदों और जगहों पर साद की तलाश कर रही है जहां वो छिपा हो सकता है। क्राइम ब्रांच की एक दूसरी टेक्निकल टीम ने बुधवार को अपलोड किए गए साद के नए ऑडियो के आईपी एड्रेस को भी ट्रेस करना शुरू कर दिया है। उधर दिल्ली पुलिस की एक टीम को मरकज में शामिल हुए सभी भारतीय नागरिकों की सूची तैयार करने का काम सौंपा गया है, खासकर वो लोग जो 24 मार्च से पहले मरकज से बाहर निकलने वाले लोगों में शामिल थे। दिल्ली पुलिस 20 से ज्यादा अस्पतालों के भी संपर्क में है जहां बुधवार को निकाले जाने के बाद मरकज के अंदर मौजूद लोगों को भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की इजाजत के बाद इलाज कराने वाले सभी जमातियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ने इस मामले की जांच करने वाले अपने अधिकारियों को भी कोरोना पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए। अगर हम देखें तो तबलीगी जमात से रिलेटेड केसेस अगर हम लें तो पिछले 2 दिनों में करीब 647 केसेस 647 कंफर्म पॉजिटिव केसेस इससे लिंक किए हुए पाए गए हैं जो कि 14 स्टेट्स में पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस ने मौलाना साद और तबलीगी जमात के 6 सदस्यों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उसने मौलाना साद को एक नोटिस भेजा है जिसमें उससे 26 सवाल पूछे गए। खास तौर पर क्या आपने आयोजन के लिए अधिकारियों से इजाजत ली थी? सरकारी अधिकारी और तबलीग के बीच क्या कोई पत्राचार हुआ था? क्या मरकज में आए लोगों की कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है? 12 मार्च के बाद आए सभी विदेशियों की जानकारी आप कब देंगे और मरकज ने बिल्डिंग खाली करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? इस बीच खबर है कि मरकज से निकले जमातियों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 647 पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से लड़ाई का एक और पहलू है, बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को भी दोस्तों इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई मरीज तो कैंसर के पीड़ित हैं, कैंसर से लड़ रहे हैं और बड़े शहरों में उनकी कीमोथेरेपी होने वाली थी लेकिन लॉकडाउन के कारण अब वो कैंसर के मरीज अपने अपने घरों में फंस गए हैं। ज्यादा बुरी स्थिति ऐसे मरीजों की है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। आसपास के डॉक्टर्स ऐसे मरीजों को अपने पास भी आने देना नहीं चाहते।
बिहार के सहरसा के राजनपुर गांव के मोहम्मद इमरान आलम को कैंसर है। 4 महीने से पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा था। 22 मार्च को डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी के लिए 24 मार्च की तारीख दी थी। इमरान गांव लौट गए कि 2 दिन बाद फिर पटना जाएंगे, लेकिन उसी दौरान लॉकडाउन का ऐलान हो गया। अब सहरसा से पटना का रास्ता बंद है, पीएमसीएच की ओपीडी बंद है और जिंदगी की उम्मीद बंद है। और वो कैंसर से पीड़ित है, काफी परेशान है, अब बहुत दिक्कत में है, ना कोई गाड़ी घोड़ा चल रहा है। अब पता चला अमित रंजन से जब बात हुई तो बोला कि आप वहीं रहिए, अभी सारा ओपीडी बंद है, कोई इलाज नहीं हो सकता। ऐसी कहानी केवल बिहार के इमरान की नहीं है। आगरा की विकास कॉलोनी का यह घर सन्नाटे में डूबा हुआ है। 70 साल की सरला जैन की आंखों में बेबसी के आंसू है। 74 साल के पति सोम प्रकाश जैन को ब्लड कैंसर है। 25 मार्च को जयपुर के महावीर कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों ने देखने वाले थे, लेकिन 24 को ही लॉकडाउन हो गया। अब घर से निकल नहीं सकते और शहर का कोई डॉक्टर मिलने तक को तैयार नहीं। रविवार के दिन मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और सोमवार के दिन इनका पेट स्कैन का हमारा अपॉइंटमेंट था। अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम क्या करेंगे, केवल भगवान से दुआई कर रहे हैं कि हे प्रभु जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुले और हम अपने पिताजी का इलाज करा पाए। यूपी के हमीरपुर जिले में भी लॉकडाउन के चलते एक कैंसर मरीज को न इलाज मिल पा रहा है और न ही दवाएं, क्योंकि कानपुर के जेके कैंसर इंस्टीट्यूट की ओपीडी बंद है और यातायात भी। नतीजा यह कैंसर पीड़िता घर पर ही मौत का इंतजार कर रही है। दो चढ़ चुके हैं, अब बाकी अभी 6 की वो बाकी है, बड़ी शिकायत होना है। अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रहा है, कानपुर में ओपीडी बंद है, डॉक्टर बैठ नहीं रहे, हम किसको दिखाए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर में लॉकडाउन के लिए सख्त हुए प्रशासन ने एक दवा दुकान समेत 2 किराना दुकानों को सील कर दिया। कारण ये कि दवा खरीदने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। विरोध में इलाके की सभी दवा दुकानों ने शटर गिरा दी। अब लोगों को दवा नहीं मिल रही है। बहुत सी बार इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कोई इमरजेंसी पेशेंट में उसके साथ में कोई 2-4 लोग आ जाए और भीड़ हो जाए, तो उस कंडीशन में दुकानदार उस इमरजेंसी पेशेंट को दवाई देगा बेचारा कि नियम का पालन करेगा। तो कोरोना से जंग के अलग अलग हिस्से हैं और हर हिस्से में अलग अलग तरह की कहानियां। हर कहानी में दर्द है, शोभ है, बेबसी और घुटन है। कोरोना के चलते गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज थम सा गया है। अभी तो 10 ही दिन बीते हैं, 11 दिन और हैं। पता नहीं ऐसी कितनी कहानियां तब तक सामने आएंगी। आज तक ब्यूरो। अपने राज्य से और अपना घर बार छोड़कर हजारों लोग ये सोचकर निकले थे कि परदेश में जाकर दिन रात मेहनत करेंगे, परिवार को सम्मानजनक जिंदगी देंगे, 2 जून की रोटी देंगे। लेकिन कोरोना के कारण बदली स्थिति ने इन मजदूरों को भिखारी दोस्तों बना दिया है। जयपुर से आई ये कहानी आंखें नम कर देती है। महज खाने के एक पैकेट के लिए ये मेहनतकश गाड़ियों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। भूख जो न करा दे सो कम, जहां पर गरीब मजदूरी के लिए बैठा करते थे, वो मेहनतकश फूड पैकेट के इंतजार में सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं। ये जयपुर का सोडाला है। 5 मिनट की दूरी पर मुख्यमंत्री और महामहिम रहते हैं। दर्जनों मंत्री और विधायक 12 दिन पहले तक यहाँ काम देने वाले आते थे और 350 से 500 रुपए के बीच कोई भी मेहनताना तय करके साथ ले जाते। मजदूर अब भी आते हैं, लेकिन किसी और मकसद से। ये लोग यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं कि कहीं कोई खाना लेकर तो नहीं आया। सुबह से शाम हो जाती है, माना कि कारखानों और रोजगार पर ताला है, लेकिन पेट पर ताला तो नहीं लगा सकते ना बाबू। भगवान सहाय, जब जेब से सूखे हुए ब्रेड के 2 टुकड़े निकालते हैं तो दिल रो देता है, कहते हैं घर जाकर बच्चों को यही खिला दूंगा। घर में बच्चे बिलो हैं, बच्चा बच्ची है, छोटा बड़ा है, कितने हैं? 2 है मेरे। उनको भी यहीं से खाना ले जाते हैं और क्या? सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं मिले मेरे को, कोई मदद नहीं मिले मेरे को, कुछ भी आपा वाटा भी नहीं मिला ना। ये पब्लिक आती है रोटी बांटने। ये बिहार के संतोष 21 साल पहले राजस्थान आए थे। सुबह से शाम तक इंतजार में बैठे रहते हैं कि कहीं कोई आएगा और खाने के लिए कुछ दे जाएगा।
खुद तो भूखे रह भी लें, लेकिन बाल बच्चों का भूख से बिलखता चेहरा देखा नहीं जाता। संतोष की आंखें ये कहते हुए क्षितिज के उस पार चली जाती है कि कर्फ्यू तो बहुत देखे मगर ऐसे हालात तो कभी नहीं देखे कि भुजाओं पर भरोसा छोड़कर भिखारी बन जाए। संतोष राज्य सरकार के श्रम मंत्रालय में रजिस्टर्ड श्रमिक है, राशन कार्ड भी है, लेकिन खाने के डिब्बे के लिए गाड़ियों के पीछे दौड़ना पड़ रहा है। मेरा तो सारा चीज बना हुआ श्रम विभाग की डायरी, जिसमें खुद वित्त मंत्रालय श्रम विभाग बोले हजार हजार रूपए डालेंगे, अभी तो कहाँ आया। भगवान सहाय बेलदार है, घर पर तीन बच्चे और पत्नी को ये कहकर आए हैं कि काम पर जा रहे हैं, क्या करें, बताया नहीं जाता कि महामारी ने भिखारी बना दिया है। सड़क पर ब्रेड के दो टुकड़े पड़े देखे तो उठाकर जेब में रख लिए कि बच्चे खा लेंगे। जिस जेब में लोग पैसे रखते थे वहाँ ये सूखे हुए ब्रेड निकाल के रखे हैं, ये घर में ले जाने के लिए ताकि बच्चों को दे पाएं। कोरोना ने किस तरह की त्रासदी हमारे ऊपर ला कर रखी है ये दिखा रहा है। सरकार का दावा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए पर्याप्त इंतजाम है, लेकिन ये इंतजाम कहाँ है किसी को पता नहीं। इंदौर के मनोज साहू और फिरोज भी कामदार से मांगदार बन चुके हैं। शाम ढलने तक कोई दाता नहीं आता तो मन में बेचैनी बढ़ जाती है कि क्या पता आज कोई खाना देने वाला आएगा या नहीं। आज 15 दिन हो गए हमारे घर पे, तो छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए दूध तक के लिए पैसे नहीं है, बिना दूध के और है, बस खाना आगे दिन काट रहे हैं। ऐसी भीड़ जयपुर की तमाम सड़कों के किनारे खड़ी मिल जाएगी जो एक फूड पैकेट की आस में गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगती है। हर चेहरा बेचारगी का पूरा उपन्यास है और उसके पीछे दर्द की उमड़ती हुई कविता। त्रासदी के इस साहित्य ने समाज और सियासत दोनों के सामने मनुष्यता के प्रश्न खड़े कर दिए हैं, बशर्ते आप समझना चाहें। शरद कुमार, जयपुर आज तक।